वेलकम टू माय चैनल। कश्मीरी क्विजीन में ना यखनी बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और हम लोग यखनी बहुत ही सारी सब्जियों की बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ पनीर और न्यूट्रेला यानी कि सोयाबीन की यखनी। ट्रस्ट मी, इसको आप एक बार खाएंगे ना बार बार बनाएंगे। सब्जी बनाना बहुत ही आसान, न्यूट्रेला और पनीर दोनों ही प्रोटीन रिच, इसको मैं कहती हूँ शाही यखनी। चलिए इसको बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक कप पनीर। ये अराउंड 150 ग्राम पनीर है। इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही मैं ले रही हूँ एक कप न्यूट्रेला, इसको न्यूट्री के नाम से भी जाना जाता है। एक कप दही। खड़े मसाले में मैं यहाँ यूज़ करूँगी एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो तीन लौंग, दो तीन चुटकी हींग, दो तीन चुटकी सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, अगर आपके पास दालचीनी का टुकड़ा है तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, एक चम्मच के करीब ग्रेटेड जिंजर, एक चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच सौंठ, एक बड़ा चम्मच सौंफ, अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा हरा धनिया, एक चम्मच कस्तूरी मेथी, एक हरी मिर्च और दो सूखी लाल मिर्च। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक पतीले में पानी गर्म करेंगे। एक ग्लास के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी सारी न्यूट्री, और जब तक इसमें एक बॉईल आएगा ना, ये न्यूट्री मैं इसी में रहने दूंगी और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। पानी में हल्का हल्का बॉईल आ रहा है, गैस को कर देंगे बंद, लेकिन न्यूट्री को भी ना हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी में रहने देंगे। दूसरी तरफ गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, पैन को ऑन कर लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 3 चम्मच तेल। तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल दूंगी सबसे पहले एसाफेटिडा, हींग, मिर्च, जीरा, क्लव्स और फिर सारा जिंजर, अदरक, सिनेमन, इसको अच्छे से जो है सिम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। फ्लेम अगर हम बढ़ा देंगे ना तो खड़े मसाले जो है वो एकदम जल जाते हैं, उनका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है, तो ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हमें फ्लेम हमेशा कम करके थोड़ा ऑयल ठंडा करके उसके बाद ही खड़े मसाले डालने चाहिए। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को ना मैंने कूट दिया है, इसको डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे इनके कवर, मिक्स कर देंगे अच्छे से, और अब मैं डाल दूंगी इसमें पनीर। न्यूट्री अच्छे से फूल गई है, अब मैं क्या करूंगी, ठंडे पानी से न्यूट्री को रिंस कर दूंगी और उसके बाद इसको स्क्वीज करके निचोड़ के हम पनीर में ही मिक्स कर देंगे। न्यूट्री को ना ऐसे पकड़ के बस हाथों से ही निचोड़ देना है, इसका पानी पूरा निकल जाएगा, न्यूट्री भी जाएगा पनीर में और ये भी हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा। पनीर भी हमारा हल्का हल्का फ्राई हो गया है, न्यूट्री को भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा पनीर और न्यूट्री दोनों ही अच्छे से फ्राई हो रहा है, लेकिन अभी मैं 2 मिनट इसको और फ्राई करूंगी ताकि इसका पूरा कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। फ्राई करते हुए ना इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है, बस छोड़ना नहीं है, ताकि इवनली हर तरफ से सब कुछ फ्राई हो जाए। न्यूट्री भी अच्छे से फ्राई हो गई है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, न्यूट्री को पहले डाल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, न्यूट्री सारा का सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है, तो पनीर को अलग से फ्राई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कच्चा पनीर खाते हैं तो वैसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे पनीर जो है ऐसा हल्का हल्का जैसा गोल्डन कलर आ रहा है ना पनीर में, वैसा उसमें आना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो रेसिपी में भी बहुत क्रिस्प बाहर से और अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। अब अच्छे से जब ये फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1/4 चम्मच टर्मरिक, 1/4 सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर, और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। फ्लेम हमारी पूरी रेसिपी में अभी तक सिम पे ही थी, तो क्विकली मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 1 ग्लास पानी।
आधा ग्लास पानी का और डालूंगी क्योंकि न्यूट्री जो है वो काफी पानी अब्सॉर्ब करेगा। फ्लेम को कर देंगे अब हम मीडियम और इसमें डालेंगे हम अपना आखिरी मसाला सौंफ पाउडर। अगर सौंफ पाउडर नहीं है ना तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सौंफ पाउडर का काम होता है इसको एक थिकनेस देना, वो चावल के आटे से भी हो जाता है। ग्रेवी में हल्का हल्का बॉईल आ रहा है, अब हम क्या करेंगे इसमें लेड लग देंगे, फ्लेम को कर देंगे एकदम सिम और इसको कुक करेंगे हम लगभग 10 से 15 मिनट तक, बीच में एक दो बार इसको चला भी लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाव, इसमें से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वापस से लेड रख देंगे, गैस को कर देंगे बंद और सब्जी को कर देंगे अच्छे से ठंडा। 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। लगभग आधा घंटा हो गया था, मैंने सब्जी को ऐसे ही छोड़ दिया था। सब्जी अच्छे से ठंडी हो गई है, अब मैं क्या करूंगी, दही जो कि रूम टेम्परेचर पे है इसको हल्का सा मैंने फेंट लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिक्स करना है, अगर आपके पास घर की मलाई है तो वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। चम्मच से ही मैंने इसको फेंट दिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। आप मलाई डालेंगे ना तो ये और रॉयल शाही सब्जी बन जाएगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं डालूंगी इसमें कस्तूरी मेथी, धनिया पत्ती, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हो सके तो फुल फैट दही ही यूज करें क्योंकि लो फैट यूज करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। जैसे अभी आप ग्रेवी देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा बढ़िया दिख रही, एकदम शाही वाली। लो फैट ना थोड़ी सेपरेट हो जाती है। गैस बंद ही है और हमारी एकदम बढ़िया वाली सब्जी जो है वो तैयार है। अगर इस सब्जी को आपको गरम करना है ना तो आप इसको गरम भी कर सकते हैं, बस कड़छी जो है वो साथ साथ चलाते रहना है। हमारी एकदम रेडी है, अब ये जाएगी सीधा सर्विंग बोल में। हमारी सब्जी एकदम रेडी है, लग रही है ना बिल्कुल शाही। आप जब भी इसको बनाएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि आपको सब्जी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, खूब सारा लाइक, खूब सारा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।